छिंदवाड़ा में यूथ फॉर राम नाम की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जानकारी दी गई। श्री राम रैली कोयलांचल के कई क्षेत्रों से निकाली गई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली में युवा राम भक्त काफी जोश में नजर आए। इस रैली में बजरंग दल महाकौशल के प्रांत संयोजक उदय प्रताप सिंह व माउंट एवरेस्ट पर जाकर राष्ट्रगान गाने का रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही रत्नेश पांडे भी मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि पूरे महाकौशल प्रांत में मोटरसाइकिल रैली से युवाओं के बीच पहुंचकर जन जागरण किया जा रहा है और भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को रैली के माध्यम से जागृत किया जाएगा। रैली में कई हिंदू संगठनों ने भाग लिया और राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी सहभागिता जाहिर की। न्यास के भव्य निर्माण के लिए चित्रकूट से अयोध्या तक प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिले को छूती हुई एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यह राम भगवान के कर्म क्षेत्र से जन्मभूमि तक के लिए चित्रकूट से अयोध्या तक निकली जा रही है। उनके पिता जो भी बुजुर्ग हैं, उन सभी कार्य सेवकों को संघर्ष नहीं देखा। हमारे सभी बुजुर्गों ने अपना लहू बहाया है, लेकिन आज हम अपना पसीना तो जरूर बहा सकते हैं इस भव्य मंदिर निर्माण के लिए। तो एक छोटा सा प्रयास है कि किस तरीके से अधिक पूरे प्रदेश के युवा सबसे पहले जागृत हों। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।